घर में इतना सारा आम आया हुआ है तो मैंने सोचा इसे हम कैसे यूज करें। ये देखिए फ्रीज के अंदर भी बहुत सारा आम है, तो मैंने सोचा घर पर आज बना लेते हैं मैंगो फ्रूटी माजा स्लाइस इसी तरीके की जूस जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 1 किलो आम की रेसिपी बता रही हूँ, आप ज़्यादा आम लेकर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिक्सचर जार में मैंने आम को काट के रखा है। आम की बहुत सारा वेराइटीज़ हैं, आप जो भी आम ले सकते हैं। गुठली के ऊपर जो भी आम लगा हुआ है हम इसे सारा निकाल देंगे। इसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा आम, ये है तोतापरी आम, इसे मैं यूज़ करूँगी। हम इसे जार में डाल देंगे। जब आप मार्केट वाला जूस पीते हैं तो इसमें मीठे के साथ थोड़ा सा खट्टापन आता है, तो इसी से ही खट्टापन आता है। और इसे डालने से और एक चीज़ का फ़ायदा होगा, आम का जो स्क्वाश का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आम को अच्छे से पीस लिया है मैंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक से आपको पीसना है। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी। हमें क्या करना है, अभी इस मैंगो पल्प को डालना है कढ़ाई में। यहाँ पर मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ, मतलब इसे मेजर कर रही हूँ। हमारा मैंगो पल्प बिल्कुल 4 कटोरी के बराबर हो गया है, मतलब लास्ट वाला 1 कटोरी के बराबर है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हम डालेंगे इसमें चीनी। कच्चे आम को मिला के मेरे पास 1200 से 1300 ग्राम आम हुआ है, तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। अब 400 से 500 ग्राम चीनी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अभी हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी पानी। पानी आप स्क्वाश की कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। मैं पूरी रेसिपी में 3 कटोरी पानी डाली हूँ। अब हम चीनी को मेल्ट होने तक इसे मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम और एक स्टेप करेंगे। अभी हम चूल्हे को बंद करेंगे और इस मिक्सर को एक बार छान लेंगे। हम इसे गरम गरम तो नहीं छान सकते, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम छानेंगे। ये देखिए मैंने छान लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से इसे डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की मैंगो प्यूरी यहाँ पर रेडी है। हमें अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें और थोड़ा पानी डाल के इसे कुक करना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है, तो हम इसमें और पानी डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने और 1 कटोरी पानी डाल दिया है। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। अभी हमारा मैंगो स्क्वाश बनकर तैयार है, हम चूल्हे को अभी बंद कर लेंगे। पहले हम इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरी पटल में इसे भर कर रख सकते हैं। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे और 2 से 3 महीने तक इसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ अभी जूस बनाने के लिए, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये वाला बॉल थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैं एक बड़ा बॉल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड पानी, और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारा जूस तैयार है। शुगर तो पहले से ही है, तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है।
लीजिए, तैयार हो गया है फ्रूटी माजा जैसी जूस घर पर। बिल्कुल वही टेस्ट है, इससे भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है इसकी। आप बहुत बार जूस बनाए होंगे, लेकिन इसी तरीके से आप बनाइए और अपने बच्चों को खुश कर दीजिए। इसी तरह से जूस बना के बच्चों को हेल्दी तरीके से आप दे सकते हैं। ये देखिए, बातों बातों में मैंने जूस को भर लिया है। मेरे पास वेराइटीज ऑफ ग्लास है, तो मैं सभी में भर दिया है। तो आप भी बनाइए अपने घर पर और कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे मैं ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख लूँगी। आप इसे 2 से 3 महीने आराम से यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमने इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा मेरी न्यू वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।